कौसावी जिला मुख्यालय में एक फर्नीचर गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास खड़े चार पहिया एवं दो पहिया वाहन जल गए। बेकाबू आग से निजी अस्पताल की बिल्डिंग को भी चपेट में ले लिया है। आग को काबू में करने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर काम कर रही है। भीषण अग्निकांड को देखने के लिए सड़क पर लोगों का मजमा लगा हुआ है। रिक्शे ऑपरेशन को देखने के लिए डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। मंझनपुर थाना क्षेत्र के करारी मंझनपुर रोड पर एमएस फिलिंग सेंटर है, जिसके ठीक सामने मोहम्मद हसीब की नाथ फर्नीचर के नाम से शोरूम गोदाम है। गोदाम मालिक के मुताबिक रात करीबन 11 बजे बिजली के तार से चिंगारी उठी, जो सीधे दुकान में लगी तिरपाल पर गिरी, जिससे दुकान में आग लग गई। उसी समय लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। डेढ़ घंटा बाद अपने भाई को भेजकर फायर कर्मियों को बुलाया। पहले तो खाली गाड़ी आई, फिर बाद में पानी लेने गई। जब तक आग पर काबू पाते सब कुछ जलकर राख हो चुका था। गोदाम मालिक हसीब की माने तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का सामान जलकर बर्बाद हो गया। अगर समय से फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो नुकसान कम होने की गुंजाइश थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने भी आग को काबू करने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल फायर कर्मी कई दमकल की गाड़ियां से आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। बेकाबू आग ने बगल के प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें अस्पताल के मरीज भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की जानकारी नहीं मिली है। अस्पताल के मरीजों को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग नियंत्रण में कर लिया गया है। फर्नीचर गोदाम में लगी आग के हालात को देखने के लिए डीएम एमएमएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। डीएम सुजीत कुमार ने बताया कि फर्नीचर की दुकान में आग लगी हुई है। आग न फैले इसके लिए पुलिस और दमकल की जो गाड़ियां हैं लगातार इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब करीब आग पर काबू पा लिया गया है। एक फर्नीचर की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई है। प्रयागराज से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई है। वही एसपी ब्रिजेश से कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फर्नीचर की दुकान में आग क्या हुआ। अरे यही सामने गुर्जर वाली तार थी हमारे सामने 11,000, उसमें शॉर्ट सर्किट हुई। हमारी दुकान के ऊपर तिरपाल लगी हुई थी, उसमें आग पकड़ ली। हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड में कोई फोन नहीं उठाया। नगर पंचायत मौजूद अध्यक्ष जो इस समय फौजी जी है, वो यही पेट्रोल पंप के सामने आग लगने समय खड़े थे। उन्होंने फोन लगाया, 1.5 घंटा फोन नहीं उठा किसी का। फिर हमने अपने छोटे भाई को भेजा, छोटा भाई गया फायर ब्रिगेड बुला के लेके आया। उसके बाद लाइट कटी है, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। फायर ब्रिगेड में कोई मौजूदा पानी नहीं था, दोबारा वो पानी भरने गई है। पानी भर के आई तो आग बुझाई है, जिसमें मेरे दुकान का पूरा डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट था, जितना पूरा पैसा कैश था, जितना था सब जल गया। और जितनी मशीनरी थी हमारे पास लिखित में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की सिर्फ मशीनरी थी, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का मौजूदा। समय पे आ जाता 1,000, 2,000, 5,000 से ऊपर का नुकसान ना होता। ये मगर मंझनपुर नगर पंचायत है कि 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड आती है। अगर कहीं गांव देहात में अगर कहीं आग लगी होती तो पूरा घर पूरा परिवार जल जाता, उसके बाद कहीं फायर ब्रिगेड पहुंचती। वहाँ मंझनपुर में यहाँ पर एक जो फर्नीचर की दुकान थी तो उसमें शॉर्ट सर्किट से किसी कारण से आग लगी है, और वो आग ना फैले इसके लिए लगातार पुलिस और दमकल की जो हमारी गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की सभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब करीब आग पे काबू पा लिया गया है और कुछ ही समय में ये आग पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। एक जो दुकान है जो फर्नीचर की थी वो करीब करीब पूरी जल गई है, बट और उसके इधर इधर उधर आग नहीं फैली है। नहीं, यहाँ पर जो स्थिति देखने में लगी है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सब आई हैं, और इनफैक्ट नगर पालिका की भी जो पानी की गाड़ियाँ थी वो भी मंगाई गई, और कप्तान साहब ने फ़ोन करके इलाहाबाद प्रयागराज से भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी मंगवाई हैं, तो पर्याप्त गाड़ियाँ यहाँ पर आई है और सुचारू रूप से आग पर नियंत्रण पाया जा रहा है। ये देखिए, मंझनपुर कस्बे में ओसा रोड पर एक फर्नीचर की दुकान है, जहाँ अभी कुछ देर पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। उसके बगल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, उसकी भी एक दीवार पर आग फैल रही थी, जिसे समय से काबू कर लिया गया है।
हॉस्पिटल में तीन पेशेंट थे जिन्हें सक्सल निकाल करके उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस समय पूरी तरीके से आग पे कंट्रोल कर लिए हैं और आग के लगने के कारणों का सही सही जानकारी करके उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये आरोप गलत है। डेढ़ घंटे नहीं, जैसे सूचना मिली वैसे हम लोग भी तुरंत आ गए थे। गाड़ियां जितनी जल्दी से, क्योंकि बाहर से भी आ रही थी, सिरासर से आ रही थी, पश्चिम सरिया से आ रही थी मंजनपुर की गाड़ियां, वो समय से पहुंची हैं और इसीलिए समय से आग पे काबू, चूंकि वो फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर लकड़ी और फोम वगैरह था, इसलिए बहुत तेजी से आग फैली है।